अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैंस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल फॉर यू विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। मैंने सोचा काफ़ी अरसा हो जाता है मैं यूट्यूब चैनल को भूल जाता हूँ या मेरे स्केड्यूल की वजह से मैं इतना प्रेजेंट नहीं हो पाता। अब की बार मैंने सोचा क्यों ना एक मुख्तलिफ वीडियो बनाई जाए। ये वीडियो मैंने अपने आप समझ ले कि थॉट जो है वो भी शेयर किए अपने ऑब्जर्वेशन के लिहाज से, जो मैंने जो मतलब कि प्रोसेस किया है दिमाग में। अब मैंने सोचा कि ये नॉलेज जो मेरे जहन में है, जो मेरे पॉइंट जो मेरे क्लिक किए हैं, क्या आपके साथ भी शेयर किया जाए। आपको क्या लगता है, व्हाट यू थिंक ऑन इट, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या जो है ऐसा जो है चल रहा है आजकल या नहीं। तो दीज थंबनेल देख के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। मोस्टली आई जस्ट शेयर देर आर थ्री मेन थिंग्स व्हाट द पीपल ऑब्जर्व ऑन योर पर्सनालिटी। आज की टॉपिक की जो इंटरेस्टिंग है वो मैं तीन चीज़ें बताऊँगा कि एक सामने वाला बंदा आपकी पर्सनालिटी में क्या जज करता है। सो बिफोर द वीडियो स्टार्ट आई ऑल्सो मैंशन वन थिंग कि हैप्पी न्यू ईयर 2024 आपको दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारक हो। और इसमें मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ अपने गोल्स अपनी जो है थीम बना लें ताकि जो आप इस नए साल का आगाज़ उस प्रॉपर तरीके से करें। सो आई विल नॉट टेक योर टाइम मोर, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, व्हाट द पीपल ऑब्जर्व इन योर पर्सनैलिटी, व्हाट इज दीज थिंग्स। तो जो मतलब कि सामने वाला बंदा आपको, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपको फैमिली सर्कल में है, और चाहे वो आपके जो है जब आप कोई मतलब कि इवेंट्स अटेंड करने जा रहे हैं, तो सामने वाला बंदा आपकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ें जज करता है। आज के टॉपिक में सिर्फ ये आपके साथ ये शेयर करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं मतलब कि जो प्योरिटी वाइज में आपको मतलब कि सबसे जो है अथेंटिक और जो है लोग जो है बड़े और जो है फ्रेंड्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। मैं उस पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो तीन चीज़ें जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने सोचा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर तो ज़रूर कर सकता हूँ। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ, मैं आपको जो फर्स्ट पॉइंट हमारी है वो है इखलाक। उर्दू में हम कहते हैं इखलाक। अब आप सोच रहे होंगे इखलाक जो है ऑब्जर्व करता है बंदा कि वो बंदा जो है किस मैनर से है। इन इंग्लिश आई कैन से दैट मैनर्स एथिक्स वैल्यूज ये इखलाक में ही आ जाता है। वो बंदा किस मैनर से बात कर रहा है, किस मैनर से उठ रहा है और किस मैनर्स के साथ बिहेवियर कर रहा है। तो मोस्टली द पीपल ऑब्जर्व ऑन योर मैनर्स एथिक्स और मॉरल वैल्यूज, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पर्सनैलिटी। अगर आप अच्छे मैनर्स, अगर आप अच्छे इखलाक के मतलब कि पर्सनैलिटी वाले हैं, तो लोगों को आपकी जो पर्सनालिटी है वो इम्प्रेस कर सकती है। तो अगर मैं दूसरी पॉइंट की बात करूं, दूसरी पॉइंट आप सोच रहे होंगे कि कौन सी होगी, दूसरी पॉइंट जो है किरदार की बात आ जाती है। उर्दू में किरदार जो है एक वर्ड वो आपको छोटा लगता है, और हम अक्सर जो अपनी शायरी में लिख रहे होते हैं या अपने हम जो है स्टेटस के थ्रू जो कोट्स लिख रहे होते हैं, तो किरदार वर्ड हमने सब ने सुना हुआ है। लेकिन किरदार को किस तरह से मेंटेन करें एक बंदा, एक इंडिविजुअल बंदा, ये सब कोई सामने वाला इंडिविजुअल पर्सन आपकी पर्सनालिटी में वो डेफिनेटली जज करता है। तो जो है किरदार, अब किरदार इफ इंग्लिश में मैं कहूँ कि करेक्टर, करेक्टर जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है टू मेक योर पर्सनैलिटी एंड टू शो योर पर्सनैलिटी। आपका करेक्टर जो है वो शो हो रहा होता है और लोग उसे जज कर रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि उस चीज़ को भी आप अच्छी तरह से मेंटेन करें। आप किस मतलब कि किस करेक्टर के जो है पर्सनैलिटी के मालिक हैं। जो है कुछ लोग जो हैं करेक्टर के ऊपर जो है कुछ भी कर लेते हैं, दे आर टॉकिंग देयर
करेक्टरलेस टॉकिंग्स इन योर पर्सनैलिटी, तो वो लोग वो जज कर रहे होते हैं. तो आपको चाहिए कि अपने करेक्टर को भी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ लेकर चलें, और आप अपनी बाउंड्रीज को भी देखें कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं उस करेक्टर की. आप हर कोई इंडिविजुअल बंदा अपनी जो है करेक्टर, अपनी जो पर्सनालिटी की जो बाउंड्रीज है, और मेरी जो बाउंड्रीज है वो मुझे पता होंगी, आपकी जो बाउंड्रीज है वो आपको पता होगी कि आपको भाई यहाँ तक, अगर जो बंदा है मुझे कुछ अच्छे वैल्यू दे रहा है उसके आउट ऑफ बाउंड्री अगर आप जा रहे हैं या वो बंदा आ रहा है, तो आप उसे एक सेटअप पे रखें. अगर आप वो सेटअप उसे पार करेंगे, करने देंगे, या आप खुद पार करेंगे, so that was count little bit bad in your character. Hope you understand the character is second main point that person judge on your personality. So move towards the third point, that is the last point according to my thought and thinking. वो है आपका हसब खासियत. उर्दू में हम कहते हैं और quality स्किल्स कौन सा है आपके पास. ये थर्ड जो मेन पॉइंट है वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एक बड़ी पर्सनालिटी, या मतलब कि जो है अराउंड एनवायरनमेंट द पीपल जज ऑन यू. सो पहले नंबर पे जो हमारे पॉइंट आती है इखलाक, दूसरे नंबर पे जो आती है किरदार, और जो थर्ड पॉइंट है वो है आपकी स्किल्स, जिसे हम क्वालिटी भी कह सकते हैं. जो तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो हमारे जाहिर सी बात है एक लिविंग जो है पर्सन है, या एक जिंदा रहने के लिए जो एक स्किल्स की भी एक इंडिविजुअल को ज़रूरत पड़ती है. तो स्किल कोई भी हो सकता है. इफ़ द पर्सन इज इंजीनियर इट इज आल्सो स्किल, इफ़ द पर्सन इज डॉक्टर इज आल्सो स्किल. मतलब कि कोई भी स्किल हो सकता है, कोई भी जो है मतलब कि जो है खासियत क्वालिटी आप में है. तो वो तीसरी जो थिंग चीज़ है वो आपको अंदर में जो है वो पर्सनालिटी भी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है. दैट थिंग आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इन यू, दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल पर्सन ऑब्जर्व इन योर पर्सनालिटी. तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू मस्ट नो. एंड If you, अगर आप सोच रहे हैं कि जो है इसमें आपको कब, मतलब कि आप इंडिविजुअल, आपको अपने आप से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, जैसा आप अपने आप को अच्छी से जानते हैं, पूरी तरह से जानते हैं, वैसे शायद मैं भी नहीं जानता होगा, या आपको कोई और नहीं जानता. क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदा जो है अपनी जो है वीकनेस को भी जानता है, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट जो उसकी चीज़ें हैं वो भी वो खुद अच्छे से जान सकता है. तो अगर आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों पे काम करना है, तो डेफिनेटली यू विल ट्राई इट एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड गेट वट एवर यू वॉन्ट. तीन चीज़ें इखलाक, मॉरल वैल्यूज, मैनर्स, एथिक्स. सेकंड नंबर पे जो है करेक्टर. आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसा करेक्टर बनाएं व्हेन द पीपल टॉक बिहाइंड यू इट वॉज गुड. अगर आपके पीछे भी कोई बात कर रहा है तो आपका किरदार उस तरह से होना चाहिए कि चाहे वो गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 100% में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आपको डिसएग्री करते होंगे. तो आप डिसएग्री को ज़रा साइड पे रखें. जो ज़्यादा वाली स्ट्रेंथ है वो आपके करेक्टर के बारे में अच्छा बोलेंगे. कुछ अच्छा करें कि ताकि जो है आपको कहीं याद किया जाए, तो अच्छे किरदार या अच्छे वर्ड से याद किया जाए. एंड थर्ड नंबर पे लाइफ के लिहाज से इस सराउंडिंग, जो एनवायरनमेंट जो ट्रेडिशनल चल रहा है, उसमें जो है एक अच्छी खासियत या एक अच्छा हुनर होना भी ज़रूरी है. दैट आई टोल्ड यू एक अच्छा स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है. तो मेंटेन योर दीज थिंग्स इन योर पर्सनैलिटी, मेक योर पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब्स मस्ट बी इन योर पर्सनैलिटी. एवरी वन फील ग्रेट्स एंड यू आल्सो फील ग्रेट्स इन योर सेल्फ. सो आज के लिए इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो या मेरे वीडियो की थीम का जो है मकसद समझ आया होगा. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.